नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F27 Pro Plus 5G versus OnePlus Nord CE 4 Lite 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.41 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F27 Pro Plus में 2.93 इंच जबकि CE 4 Lite में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F27 Pro Plus में 0.31 इंच जबकि CE 4 Lite में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो F27 Pro Plus में 177 ग्राम्स जबकि CE 4 Lite में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि F27 Pro Plus से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F27 Pro Plus में 6.7 इंचेस जबकि CE 4 Lite में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F27 Pro Plus में 1080x2412px FHD Plus और CE 4 Lite में 1080x2400px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F27 Pro Plus में 89.65% जबकि CE 4 Lite में 87.22% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F27 Pro Plus में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CE 4 Lite में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F27 Pro Plus में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और CE 4 Lite की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F27 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE 4 Lite की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F27 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और CE 4 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F27 Pro Plus में Mali-G68MC4 जबकि CE 4 Lite में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F27 Pro Plus में MediaTek Dimensity 7050 और CE 4 Lite में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F27 Pro Plus में नहीं है, जबकि CE 4 Lite में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी F27 Pro Plus में 5000 mAh जबकि CE 4 Lite में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F27 Pro Plus में 2 कलर्स जबकि CE 4 Lite में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F27 Pro Plus में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C4 Lite की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो F27 Pro Plus 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें OnePlus Nord CE 4 Lite 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में F27 Pro Plus आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F27 Pro Plus आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 65G है, दूसरा Poco F6 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।